जिंदगी में ना हमार जिए के का फायदा है भगवान, केकरे खातिर जिए हम भगवान, केकरे खातिर। चैन से ना रहे थे वो? आप अंदर से दरवाजा काहे बंद कर ले हैं? दरवाजा बंद ना करी तो का करी? पूरे समाज में हम मुंह दिखावे लायक ना रह गए। तोहरे बेटा प्रेम के वजह से घर में से निकले का कुल रास्ता बंद हो गए लो। अरे बंद कर तो की मुंह पे करी खा पोत ली और तू कहो तो कि दरवाजा काहे बंद कर ली? अगर आप मुंह पे करी का लगा ले हमार का हुई? जान भाई भुला जाए, कोनो दूसरा रास्ता निकाले के चाहिए ना। आखिर आखिर वो आपके लड़का है ना? लड़का अगर हाथ में गंदा कर देते तो हाथ के साफ करल जाला, लड़के ओके काट के फेंक दल जाला। पुरुषोत्तम ई का तोहरे लाल प्यार के बिगाड़ के रख दे ले हो? ठीक हो, बुलाओ प्रेम के, वैसे कुछ बात करेगी हो।
हमके समझ में नहीं आवत हो कि हमसे कवन गलती भइल जौने के सजा इतनी बड़ी भगवान हमके दे रहल हो। में तोहार कोई गलती नहीं के शिव। गलती हो दाई माँ, गलती हो। आदमी 5 रुपया के घड़ा खरीदेला तो ओके ठोंक बजा के देखेला कि उमे फूटल तो ना हो। और हम अपने फूल से बिटिया के शादी तय कह देली और कब्बू जाने के कोशिश ना कैली कि शहर में लड़का पढ़ा ला कि का कराला। ओकर आदत का है, ओकर स्वभाव का है, ओकरे जिंदगी में कोई और तो ना हो। ये सब हमारी वजह से भइल दाई माँ, ये सब का जिम्मेदार हम हैं। पता नहीं हमारे फूल से बच्ची पर का बीतत हुई। ना शिव, अपना आपके इतना अधीर मत कर, ये सब भगवान के लीला। हे काहे दाई माँ, भगवान के लीला खाली हमारा बेटी खातिर हो? समय से पहले उसे माई के अचरा का छांव छिना गई और जेके वो अपने मन मंदिर के देवता बनौलस वो कर मन मंदिर छोड़ के चल गई। भगवान भी खाली नेक और शरीफ लोगन के लीला दिखाओ ना। भगवान पे भरोसा रखा बेटा, सब ठीक हो जाए। अब ठीक हो के का हुई दाई माँ? का हमरे सुधा के होठन के मुस्कान लौट आई? का ओकरे दिल पर जौन ठेस लगल वो ठीक हो जाई? ना दाई माँ ना, अब सब खत्म हो गई। हमारे एक गलती की वजह से हमरे बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रेम को भगवान लेके बाबूजी हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं कि हम अपने बहन का ब्याह ऐसा लड़का के साथ करब कि प्रेम 100 जन्म भी ले लिए ना तो कर बराबरी नहीं कर सकेला। राहुल तू ही बतावा, हमार गुनाह का हो? सच्चाई बतावल चाहत रही तो केहू सुनलस नहीं। हम मजबूर हो के सबके बीच हमरा सच्चाई कहे के पड़ल तो केहू से बर्दाश्त न भइल। सब गलती हमार हो, हम ही सबके दुख देले हैं, ये सबके जिम्मेदार हम ही हैं। हम अपराधी हैं राहुल, हम अपराधी हैं। ए भैया, अरे आपन ऊपर अपराध बोध मत ला। जॉन भइल तोन भइल, हाँ। और तू कोनो टेंशन मत ला, बिल्कुल टेंशन मत ला। हाँ तू बिल्कुल टेंशन मत ला, ठीक कहा था भाई, बिल्कुल टेंशन मत ला। इला चाय वाय पिए लोग, कब तक भूखे प्यासे रहबा? भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाए। जे भइल ओकरा भुला दा बेटा। भुला जा? हमार बेटी के सगुन लौटा दिहल गईल और तू कहत हो कि भुला जा? हमार इज्जत पूरा गांव जवार हितनाथ के सामने माटी में मिला दिहल गईल और तू कहत हो कि भुला जा? दाई माँ, तू जाने लू कि जेकरे बेटी का रिश्ता टूट जाला ओके जमाने में का कहल जाला। और ये बात
हम जिंदगी भर ना भुलाइब दाई माँ। बार बार जब हमके ये बात याद आवत तो हमरा के लगा ला के जैसे सीना पर कोनो बहुत बड़ा पत्थर रख देवल गई हो। हम बर्दाश्त ना कर पवनी दाई माँ, बर्दाश्त ना कर पवनी। तू जानत हुआ तू का करे जात हुआ? जौने लड़का के तू जान लेवे जात हुआ ओके तोहर बहन बचपन से प्यार करे ले। तो हम का करे बाबूजी, हम का करे? बाबूजी, हमरा से हमसे सुधा की स्थिति नहीं देखल जाता बाबूजी, नहीं देख जाता। अरे मैं वो मासूम का क्या गलती बा बताई ना बाबूजी? बाबूजी हम अपने बहन से कैसे आंख मिलाए, कैसे आंख मिलाए बाबूजी? अभी बताए ना हम कैसे आग मिलाए, हम क्या करें बा, क्या करें? बबुआ, अरे सावित्री, बबू आ गए। कहाँ गए रे? हाँ? माई, बाबूजी हमके काहे खातिर बोलवले हवन? ए बेटा, वो तो से कुछ बात करल चाहत हवन। हम जानत हई ये घड़ी वो बहुत गुस्सा में हवन। बेटा, हमारे को बात मान लिया। इस समय वो जो कुछ भी कहे चुपचाप सुन लिया। हाँ बेटा, ठीक है माई, हम उनके सुन ले। बाकी बतावा, हम की कोई कहने सुन था हुआ है? कोई जाके बाबूजी की कहने समझावा था? देखा बेटा, उनकरा से बहस मत करिया। बबुआ, वो तो हर बाप होके के साथ साथ ये घर के मुखिया भी हवन। उनकरा लइकन के खुशी के साथ साथ ये घर के मान मर्यादा और इज्जत के भी ख्याल रखे के हो।
बेटन के खुशी के गला घोट के खानदान के मान मर्यादा और इज्जत के ख्याल रखल कहाँ तक सही हो बड़की माई बतावा। बबुआ तू समझत काहे नहीं खे, वो जौन कुछ भी करे है तुहार खुशी के खातिर करे है। मंगल भैया, दाई माँ, बाबूजी, मंगल भैया, बाबूजी, दाई माँ। का भेल बेटा? का भेल? सुधा दीदी बेहोश हो गई है। बेहोश? हाँ सुधा दीदी बेहोश है। कहाँ? मंदिर में, उनके माथे से ढेर खून निकला माँ। खून? खून? ठीक है कहल जाला प्रेम, जौन इंसान केहू से नहीं हारत वो अपना जन्मला से हार जाला। आज तोहरे वजह से हम पूरे समाज में मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए। हम तो के शहर भेजले रही कि तू पढ़ लिख के एक दिन हमार नाम रोशन कर पा। एक खातिर नहीं कि तू पढ़ लिख के एक दिन भरल समाज में हमके बेइज्जत कर पा। भौजी हमार बात समझे। बार, 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 बार। वो दिन तू बहुत बोला प्रेम, आज तू चुपचाप हमार सुना। वही दिन से हम एक बात समझे के बड़ा कोशिश कर रहे थे, बाकी समझ नहीं पावो थे। वो बात तुहार हमने समझ से परे हो। पहला दिन तू कहत रहला कि तू बनारस में केहू से प्यार करेगा, तो अब तू कहत हुआ कि तू बनारस में केहू से ब्याह कर ले ले हुआ। तुहारी बात हमके समझ में नहीं आवत हो का झूठ हो का सच हो। बाबूजी हमी कहा चाहता है हम तो के एक बात कह देती प्रेम कि तू आजे बनारस जाके 3 दिन के अंदर अपने पत्नी के लेके हिजा चल आवा। हाँ नहीं तो जौने तारीख पर हम सुधा से तुहार ब्याह तय कैले हई वही तारीख पर तुसे सुधा के ब्याह करे के पड़ी, समझला। अगर ये बात तू अपन ब्याह डाले खातिन करा तू तब ही भी वक्त है बेटा, हाँ करता। शिव जी के हम मना ले, वो हमारे बचपन के मित्र मन, वो मान जाइए बेटा। ना बाबूजी, हम ब्याह नहीं कर सकेला।
आपके देल 3 दिन के समय हमके स्वीकार हो और हम वचन देते हैं कि अगर 3 दिन के भीतर अपने पत्नी के आपके सामने लाए खड़ा ना कर दे ली तो हम वही करब जवान जवान आप जाओ बात है अंजलि कहे इतना चुपचाप बैठे लोग भौजी हमके बहुत डर लगा था अभी तक प्रेम का कोनो खोज खबर नहीं के डरा मत धीरज रखा कैसे धीरज रखी भौजी का करबू हालात के देख के धीरज रखे के पड़ी अंजलि ले बेटा दूध तो पी ले रख दम्मा अभी भूख नहीं खे हम बाद में पी ले तू कुछ खेले भी ना है बेटा कम से कम दूध तो पी ले थोड़ा सा और वैसे भी खाद पियत रह बाबू अब माई बाबू के यहाँ का ज्यादा दिन खाना ना लिखल हो तो के तू ऐसे कहे का थो अम्मा बेटा ऐसे ऐसे कहते कि लड़की जात हो और बड़ी भी हो गल हो तो तार शादी ब्याह भी तो हुई ना ससुरे भी जेबू परसों तार सगाई है ना हम दूध रख देती भुलाया जिन ठीक है पी लिया चल अंजलि तू परेशान मत होगा ना भौजी अब हमारे खुद प्रेम से बात कर बहुत जरूरी हो गई ना तू कुछ बंदोबस्त करा ना भैया एगो बात पूछी पूछा हमके ये समझ में नहीं आवत की तो हमके बताले रहला कि तू अंजलि से प्यार करता हुआ तो तेरी शादी मतलब कि 3 दिन में पत्नी कहाँ से ले बा ये बात तो हमके भी नहीं मालूम बाकी हम इतना जानत हैं कि अगर हम ये बात न मनती तो हमार सोचल सब गलत हुई जात भैया बात मल्ला से का हुई कुछ ना अरे ये बारे में सोचला है कि ना अरे ये काम पूरा कैसे कर बे हां राहुल के अलावा हमारे पास दूसरा और कोनो रास्ता ना रहे ये घड़ी हमरा सोचे के टाइम नहीं हो अब तो बनर से जाके सोचे कपड़े कि कैसे का करेंगे हो भैया पूनम पूनम भैया आ जा भैया
तू भौजी के लेवे जाथवाना, हम बहुत खुश हैं। हमार भौजी बहुत खूबसूरत है ना? हाँ। राहुल भैया, वैसे तो भौजी के लेवे देवर जाला, काहे ना तू प्रेम भैया के संगे चल जा। तू बिल्कुल ठीक कहा था पूनम, लेकिन अगर हम प्रेम भैया के संगे बना चल जाए तो हैजा तो आज संगे भौजी के सारे तैयारी के करे हुँ? और फिर तू अकेले परेशानी उठोगे। भैया तू हमार चिंता मत करा, हमें सब तैयारी कर लग। वैसे भी तब क्यों घर में कहाला कि राहुल के घर द्वार से मतलब ना है, ये बात हमके बहुत बुरा लागेला। क्यों कुछ कहे, लेकिन भगवान हमके यहाँ भले ना देले होंगे, लेकिन हम दिल से कहते हमार दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसन हो। भैया तू ठीक से जाइया। ठीक हो पूनम, हम ठीक से जाएंगे। असुना काकू के बात से नाराज मत होइया, काकू आवेश में है। अगर काकू की कौनो बात तोहरा के बुरा लगल हो तो हम माफी मांगत हैं। भैया काकू बहुत अच्छा हवे, काकू के दिल कोमल हुए। अरे ना पगली, हम भौजी की बात का बुरा कैसे मान सकते हैं? हम बुरा नहीं मान ले हैं। अभी यहाँ का कह रही ला, अब और कौन कसर बाकी रह गई बा? दाई माँ, रवो एक आ कहत बानी। अब कहे सुने के का बाकी रह गई बा? अब कहे सुने के अब यह बाकी रह गई बा कि हम शिव जी से हाथ जोड़ के माफी मांगे आई बानी? तोहरा का लगत माफी मांग लेला से घर के इज्जत वापस आ जाए? ना दाई माँ, ना गई इज्जत तो वापस ना आई, लेकिन माफी मांग लेले से मन का बोझ जरूर हल्का हो जाए। जाने अनजाने में जौन गलती भइल ओकर हमके अंदाजा तक नहीं रहा। अंदाजा कैसे होई पुरुषोत्तम? अगर तोरा घर में तोहार बेटी के शगुन वापस आई तब ना? दाई माँ, सुधा हमार बेटी जैसन हो। बेटी जैसन है ना? बेटी तो ना है ना? दाई माँ, ये तू का कहत हो? ठीक कहते पुरुषोत्तम, तू सुधा के बेटी कह के बाप बेटी के रिश्ता के बदनाम मत कर। दाई माँ ऐसन कह के हमरे माथे पे तू कलंक मत लगावा, मत लगावा दाई माँ। दाई माँ, अरे हम सच्चो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते ही, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते ही। दाई माँ, हम आपन और अपने परिवार के तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगते ही, हाथ जोड़ के माफी मांगते। पुरुषोत्तम, तुम माफी मांगे चाहते रहना तो जा सुधा से माफी मांगा जे अस्पताल में पढ़ल दिया। अस्पताल में भी आ?
डॉक्टर साहब का स्थिति बा हमार बहन का, ठीक तो है ना? देखिए पेशेंट की हालत बहुत खराब है, बहुत खून निकल चुका है, वो इस समय बेहोश है। जब तक उसे होश ना आए ये नहीं कहा जा सकता कि वो खतरे से बाहर है या नहीं। डॉक्टर साहब हमारा बहन के बचा ले, अगर अगर खून की जरूरत बात हमारे शरीर से कुल खून निकाले, लेकिन हमारे बहन के बचा ले डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर हूँ, कोई भगवान नहीं, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। भैया हमारा बात माना था तू बनारस जाके अंजलि से ब्याह कर ला। हाँ लेकिन ओकरा खातिर अंजलि के घर वालन के भी तो माने के चाही। 21वीं शताब्दी है भैया, एमए शादी करे खातिर घर से भाग जा, सिंदूर वरमाला बस करा। अरे अरे भैया जब मियां बीवी राजी तो का करिए काजी। हाँ लेकिन राहुल भाग के शादी करे में तो बहुत बदनामी होला भाई। अरे गोली मारा बदनामी के फटाफट। अंजलि के फोन हुआ है। हाँ अंजलि प्रेम। अंजलि अंजलि कहाँ रहता तू? अंजलि अगर तू रोइबू हमके ना बताइबू तो कैसे पता चले कि का बात हुआ है? प्रेम परसों हमार सगाई है। का? हाँ प्रेम परसों लड़का वाले आवत हमने हमरा सगाई खाते। तू तो जानत हवा प्रेम कि अगर केहू और से हमरा सगाई हो गई तो हमार का हाल होई। देखा अंजलि तू चिंता मत करा, हम काले आवत हैं। ओके देखो देखो सब कुछ भी कर गए, हम बेचारा होके रह गई नहीं और कुछ ना कर पाए। अरे का फायदा ये शानो सौकत दौलत का,
जो अपने औलाद के काम में ना आ सकल। कोई बात नहीं बाबूजी, सब ठीक हो जाए। कुछ ना ठीक हुई बेटा, हम अपने हाथ से अपन बिटिया के जिंदगी बर्बाद कर से ली। तो खाली जिए खातिर सांस ले दे। हम हर सांस लेनी तो ऐसा लगेला जैसे कोनो गुनाह करते। हर सांस हमरे बदे हम सजा हो गई। बाबूजी अब आप ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसे सोचे लगे तब आपका तबीयत खराब हो जाए। हिम्मत से काम ले बाबूजी, हिम्मत से काम ले। हिम्मत ना बचल बेटा, हम अपराधी हैं। बाबूजी आप अपने आप की मत खोसी। अरे आप तो वे कहनी जौन एक बेटी का बाप करेला। कोनो गलती नहीं की ना बेटा, हम अपराधी हैं। सुधा कैसा नो? जिया था अभी मरल नहीं के। ऐसे ना कहे के बेटा, बाबा भी सुना चाहिए पर कौनो आज ना है। आंस तब पड़ गई वो हमारी बहन पे और ओकर जिम्मेदार थार परिवार है। अब भगवान के लिए यहां से चल जाए। देखा मंगल बेटा, सुधा के साथ जो कुछ भी भाई ठीक नहीं भाई। वही खातिर हम तुलवन से माफी मांगे आए ले। ना बोल सकता, माफी का नाम मत लिया। तोहरा जैसन पापी के माफी देहल, माफी शब्द के अपमान हो। और जौने दोस्ती के खातिर तू यहां आयल हुआ ओकर अर्थी उठ गई। अब दोबारा हमरे आंख के सामने मत आइया। और एक बात याद रखी, अभी तक तो हमार बहन बेहोश है, लेकिन अगर ओकरा के कुछ हो गई तो जैसे हमार बाप अपनी बेटी के लिए तड़पा था ना, ये मंगल का वादा है कि हम हरा के भी वैसे ही डर पाए। वादा है हमार तो से। प्रेम 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 सुनत काहे नहीं हुआ, मर गया लगुआ का का भइल? का बात है बाबूजी? मत को बाबूजी, तोरे जबान से बाबूजी सुन के ऐसा लगा था जैसे कि हमरे कान में कोई गरम सीसा डाल दे ले हो। मन तो करो थे कि जोने हाथ से तो के पाल पोस के बड़ा कहले ही
वही हाथ से तोर नटई दबा के तो के मुआ दी। अरे जवन बेटा अपने बाप के कहले में ना रहेला, वो बाप के तई घर द्वार त्याग के जंगल में चल जाए के चाहिए। कहा भाईल जी, आखिर बात कहा? बात यह सावित्री, तोरे प्रेम के वजह से आज शिव जी के परिवार पर आफत आ गई, पूरा परिवार बर्बाद हो गई। आज सुधा का जोन हालत हो वो हमनी के वजह से पायल हो, और एकर भोगदंड तो हमनी के भोगे ही के पड़ी। काहे हमनी के काहे भोगे पड़ी? वो ये लिए भोगे के पड़ी कि तू अपने कोख से सपूत नहीं कुल बोरन पैदा के लिए हो। और ये कुल बोरन के वजह से ही आज सुधा अस्पताल में पहुंच गया हो। भगवान हमार बेटी के रक्षा कर। बेटा तू लोग भुखाई लोग पर कुछ खा ला। हमार सुधा कैसे बड़ रक्षा? फिलहाल अभी तो ठीक है, होश में आ गई है। लेकिन लेकिन क्या डर सा? एक्चुअली सिर पे ज्यादा चोट आने का दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, सॉरी। मिया के डाल मैया लावेली ही लोर बाके दूले दूले ना। बाबूजी और भैया छेका करे गएल हवे। हमार प्रेम दूल्हा बन के आई हा। हमार प्रेम घोड़ी पे चढ़ के आई हो और हमरा के दुल्हन बना के ले जाई हो।
सुधा, हे सुधा, कहाँ खेल तो राके? भैया, तू तू चेक करके आ गई लो। तू 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 रो कहे रहा ना हुए? हाँ, वो भैया, भैया, अरे अभी मत रोआ, जब हमार विदाई होई ना तब रोइहा। और क्या हो सुधा, कहा तू अनाप शनाप बोले? तो हमार शादी हुई।